नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम पुणे में स्थित मुंडवा गांव के काल भैरव मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। ये काफ़ी पुराना या फिर प्राचीन मंदिर है, तो ये मंदिर कब बना, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी हमने मुलाकात की है, उनसे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है, वो भी हम पूरा डिटेल देखेंगे। पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु। हमने इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री राजशेखर गुरु जी से बात की और इस मंदिर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हमें बताया ये मंदिर का इतिहास और ये पूरा मंदिर का कुछ विशेषताएं। ये काल भैरव मंदिर, ये काल भैरव मंदिर लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और इसका आर्किटेक्चर जो भी है वो हेमाडपंथी आर्किटेक्चर है और ये मंदिर पूरा
पत्थर में बनाया हुआ है, जैसे पत्थरों को एक के ऊपर एक जॉइंट करके बनाया हुआ है, और इसमें चूना या इसका किसी का भी मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस मंदिर का और एक विशेषता ऐसा है, ये पत्थरों में होने की वजह से या फिर उसका हेमाडपंथी आर्किटेक्चर की वजह से बाहर कितनी भी गर्मी हो तो अंदर का एटमॉस्फेयर या फिर अंदर का वातावरण हमेशा ठंडा ही रहता है। श्री काल भैरव भगवान महादेव का पांचवा अवतार है और ये भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। काल भैरव का मुख्य स्थान काशी या फिर वाराणसी में है। श्री काल भैरव उग्र और कड़क भगवान माने जाते हैं और इनका काल भैरव का ज़्यादातर मंदिरों में सिर्फ काल भैरव का अकेली की मूर्ति रहती है, लेकिन इस मंदिर में काल भैरव के साथ, काल भैरव भगवान के साथ उनकी पत्नी योगेश्वरी माता जी का भी प्रतिमा है। तो इस इनकी प्रतिमा साथ में होने की वजह से इस मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश मिलता है, जबकि सिर्फ काल भैरव का अगर मंदिर है तो वहाँ स्त्रियों को प्रवेश नहीं मिलता। काल भैरव भगवान को कालों का काल मानते हैं। वो गुरु जी ने हमें बताया कि इस मंदिर का एक ऐसा वैशिष्ट्य है कि पुराने ज़माने में जब कोई दवाखाना वगैरह ज़्यादातर मौजूद नहीं थे, अगर किसी को सांप ने अगर काट लिया तो उस व्यक्ति को गांव वाले इस मंदिर में लेके आते थे और उसके सर के ऊपर पत्थर रखते थे और ज़ोर ज़ोर से मंदिर में घंटानाद किया करते थे। तो वो कुछ देर घंटानाद करने के बाद उसका जहर उतरने के बाद जितना वजन का पत्थर वो आदमी संभाल सकता है उतना वजन का गुड़ गांव में बांटते थे, ऐसी प्रथा थी। गुरुजी ने हमें इस गांव के इतिहास के बारे में भी बोला। मुंडवा गांव छत्रपति शिवाजी महाराज का ससुराल भी माना जाता है। इसी छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी पत्नी इसी गांव की गायकवाड़ फैमिली से थी। मुंडवा गांव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श से पावन हुई पुण्य भूमि है। भाऊ साहेब बखर में भी इस मंदिर की नोंद है। थोरले बाजीराव पेशवे ये मंदिर में हमेशा आते थे। वो जब भी किसी युद्ध पे या फिर किसी मुख्य कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते तो इस मंदिर में आके दर्शन लेके जाते थे। ये काल भैरव मंदिर बहुत ही जागृत देवस्थान है। इस मंदिर को क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। क्षेत्रपाल मतलब गांव की रक्षा के ही और खुशहाली के हेतु गांव की सीमा के पास एक मंदिर, इस भगवान का मंदिर रहता है ये काल भैरव मंदिर, इसलिए इसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं। इस मंदिर में गजलक्ष्मी और वासुकी नाग की भी मूर्ति है। गजलक्ष्मी की मूर्ति गांव की खुशहाली के लिए है। जो इंसान श्रद्धा से और भक्ति से इस काल भैरव भगवान की पूजा करता है उनकी सारे दुख, उनके सारे संकटे ये काल भैरव भगवान दूर करते हैं। इस मंदिर में फाल्गुन दुर्गाष्टमी के दिन यात्रा या फिर उत्सव रहता है। फाल्गुन दुर्गाष्टमी के दिन ही काल भैरव और योगेश्वरी माता जी का विवाह संपन्न हुआ था। उस दिन इस गांव में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से यात्रा मनाई जाती है। उस दिन अभिषेक वगैरह होता है और दूसरे दिन गांव में कुश्ती वगैरह, कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। और कार्तिक मास में काल भैरवाष्टक जयंती या फिर काल भैरवाष्टक प्रकट दिन के दिन भी यहाँ बहुत ज़ोर से उत्सव मनाया जाता है। अगर आपको मौका मिला तो आप इस मंदिर में आके दर्शन लेके काल भैरव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी, इस मंदिर के बारे में कुछ भी जानकारी अवेलेबल नहीं थी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा ये मुंडवा का पुणे में स्थित काल भैरव मंदिर, ये मंदिर की पूरी हिस्ट्री भी देखी हमने, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उत्सव है, ये भी हमने देखे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।
पंकज सेव्यमान पावना कृपंकज ज्ञाल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम्।